मैं मंदिरों में जाकर बड़े बड़े भोग प्रसाद और भंडारा करवाने के पक्ष में नहीं मेरे को क्षमा कीजिएगा मैं इस आई डोंट फील दैट वहाँ मंदिर में जो भगवान का श्री विग्रह है जो मूर्ति है गुरुद्वारे में जो गुरु महाराज का स्वरूप है उन्होंने तो इतना भी खाना नहीं है खाएंगे कौन हमारे तुम्हारे जैसे घरों से खाए पिए हुए ही लोग वहाँ बैठे होते भंडारे और लंगर में घर से खा के आए फिर बैठ जाएंगे खाने में थोड़ा भाई ख्याल उनका करो जिनके साथ कोई खुशी बांटने वाला नहीं है उनके साथ बांटो अपनी खुशी उनके साथ खुशी बांटने से आपकी खुशी बढ़ती है और इधर आप तुम घर में पार्टी रखो आ जाएंगे रिश्तेदार खाएंगे भी और बाद में ताने भी मारेंगे कैसा बुरा सा खाना था कोई अच्छा था डेकोरेशन कैसी थी बुरी सी थी और तुम्हारी निंदा करेंगे पैसा भी उड़ाओगे निंदा भी कराओगे तो ये तो कोई अकलमंदी की बात नहीं भगवान सिर्फ मूर्तियों में कैद नहीं है जो सर्व में है सब में है उसका स्वरूप भाई किसी एक जगह में कैद किया हुआ मत देखिए मुझे ये निदा फाजली का शर बहुत प्यारा लगता है बहुत प्यारा लगता है घर से मस्जिद है दूर तो चलो यूं ही सही घर से मस्जिद है दूर तो चलो यूं ही सही किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए इससे बड़ी प्रार्थना और क्या हो सकती है कि किसी के आंसू पोछ के आपने उसको हंसा दिया वो मुस्कुराने लग गया आदमी वही है जो खुद भी मुस्कुराए और दूसरों को भी मुस्कुराहटे बांटता रहे मजा तो इसमें है ना आप चिंता में पड़े रहो सड़ते रहो और दूसरों की उन्नति देख के भी जलते रहो और दूसरों की अवनति देख के दूसरों का डिग्रेशन दूसरों का लॉस देख करके खुश हो अच्छी बात नहीं सात्विक लोग ऐसा काम नहीं करते हैं यह नहीं करना चाहिए हमें हमारे मन के ऊपर काम करना है तो मन के ऊपर काम करना तब शुरू होगा जब सत्संग जाएंगे अब सुनो जो मैं कहानी कहना चाह रही थी मां हमारी वो सत्संग में ले गई वहां क्या हुआ कि वो महात्मा जी सत्संग ये सुना रहे थे बड़ा कॉमन श्लोक है सबको आता है मेरे साथ सब गाय इस त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव तो व हे देवता आप मेरे माता हैं आप मेरे पिता हैं प्रभु आप ही मेरे बंधु हैं आप ही मेरे मित्र हैं आप ही मेरे सखा हैं आप ही मेरी विद्या हैं आप ही मेरा धन है आह कितना सुंदर तो ये श्लोक को समझा रहे थे और वो बार बार इस बात की पुष्टि करें कि हमारा पिता तो हरि है हमारा पिता तो हरि है देखिए अब हरि शब्द श्री कृष्ण के लिए भी है विष्णु के लिए भी है और निराकार मानने वाले भी हरि कहते हैं और पर ब्रह्म परमात्मा को भी संतों ने हरि नाम से संबोधित किया है तो वो बार बार एक ही बात बोले हरि हमारे पिता है हरि हमारी माता है ये माता पिता शरीर के है तेरे पिंड के है तेरे असली माता पिता तो परमात्मा होते हैं अब मैं ये बात सुन रही हूँ और वो बार बार बड़े उदाहरण बड़ी एग्जाम्पल्स बड़ी कहानियां सुना सुना के वापस इसी में भगवान हमारे माता तो पिता पचास एक लोग थे सत्संग जो सुन रहे थे फिर खत्म हुआ तो सब प्रणाम करने को गए उनके करीब अब हम सब प्रणाम कर रहे मैं देखा सबको कैसे करते हैं तो मैं भी गई आगे मैंने भी प्रणाम किया अब मेरी शक्ल पहली बार देखी उन्होंने तो बच्ची देख के थोड़ा विनोद करने लगे कहते हैं कहाँ से आई है मैंने कहा सात वाले घर से बोले अच्छा किसकी बेटी है मां भगवान की <laughs> कह रहे नहीं वो तो ठीक है पर बेटी किसकी है मां भगवान की वो तो बोले नहीं तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है मैं बोले श्रीहरी अरे बोले नहीं तेरी माँ का नाम क्या है बोले श्रीहरी तो बड़ा हंसे वो बड़ा जोर से हंसे और गले लगा लिया मुझे अपने ऐसे गोदी में ही बैठा लिया वो होंगे मैं उस समय आठ एक नौ साल की तो ऐसे गोदी में ही बैठा लिया और वो कहे मैं ये किसका बच्चा है ये किसका बच्चा है तो माँ आ गई आ गई कि ये उन्होंने कहा कि ये इतने जल्दी ऐसा जवाब आज तक किसी ने हमको नहीं दिया पूरे सत्संग के बाद किसी को भी पूछो कि किसका किसका बच्चा बोले रमन भाई का लक्ष्मी बेन का ऐसा कुछ माँ का बाप का नाम बोल देते बोले इसको ए, 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 एक ही बार में इसको ये चीज़ समझ आ गई बड़े खुश हुए बड़ा आशीर्वाद दिया उन्होंने तो घर गई तो घर जाके पिताजी के साथ हमारा बड़ा कैजुअल सा ऐसा कोई डर वाला संबंध नहीं था बड़ा कैजुअल सा था तो जा के मैं उनको और मेरे लिए ये बड़ा बड़ा झटका था कि मेरे पिता तो भगवान है ये तो शरीर के पिता बायोलॉजिकल फादर है तो वो ऑफिस से जब वापिस आए वो के बैठे आदत थी दूध वगैरह लेने की तो जब तक माँ दूध लाती तो मैंने उनको कहा मैं आपको पता भी है आप मेरे पिता नहीं हूँ बोले क्या मतलब मैं हमारे पिता तो भगवान है आपने तो कभी बताया ही नहीं हमको आप हमारे सिर्फ शरीर के पिता हो हमारे असली पिता तो भगवान है आप नहीं हो अभी सोचो बच्चा जाके बाप को बोले तू मेरा पिता नहीं है तो तो चक्कर में पड़ जाएगा पर वो बड़े धीरज से मुझसे सुनते रहे कि क्या मतलब कहना क्या चाह रही है फिर मैंने पूरी बात बताई ऐसे महात्मा जी ऐसा कह रहे थे तो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य ही कह रहे बिल्कुल सत्य का हमारे पिता वही है हमारे माँ भी वही है बंधु भी वही है सखा भी वही दोस्त भी वही था अब फिर एक पीड़ा मन में उठी जो सब कुछ हमारे भगवान ही हैं तो भगवान को हम तो जानते ही नहीं हम तो जानते ही नहीं उसको कि वो कौन है कहाँ है कैसा है कैसा नहीं है तो ये मन में एक बहुत भावना जगी फिर ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से जगता है तो पूछा अगले दिन जाके कि अगर हम उनके बच्चे हैं तो हमें उनके बारे में पता क्यों नहीं ता उन्होंने कहा बेटे क्योंकि अभी मन में अज्ञान है तो आपको क्या करना है अपने मन से अज्ञान को निकालना है इंद्रियों को संयमित करना है जीतात्मना प्रशांत परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान यो ये काम करना ये साधन करना है अपने मन को गर्मी सर्दी के एहसास से ऊंचा उठाना है मान अपमान के एहसास से ऊंचा उठाना है जित इस मन को समझना है मन की गुलामी नहीं करनी है और अपने चित्त को प्रशांत स्वरूप बनाना है काम तो इतना ही है देखिए भगवान हमसे दूर नहीं है ये कई लोग ऐसा बोलते हैं हम सब आत्माएं वहाँ उतरी हैं नीचे आई हैं एक दिन हम सब वापस वहां चले जाएंगे भाई ये काहे गुड़ गोबर कर रहे हो उपनिषद क्या कहती सुनो गुरुगंज साहब क्या कहते सुनो संत क्या कहते है? सुनो दादू दयाल चरण दास रज्जब ये क्या बोलते हैं उनके बचन को सुनो वो क्या कहते हैं वहां से हम आए अरे वहाँ कहाँ वहाँ अरे गुरु नानक की वाणी कहते वहाँ तो कहिए जो यहाँ ना हो मैंने वहाँ मैं प्रभु वहाँ है मैं तब कहूँ जब यहाँ वो ना हो जब वो यहीं है और वहां भी है और कहाँ भी है और ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्व और उसी चैतन्य स्वरूप का अस्तित्व है तो कहना बनता ही नहीं कि हम वहां से आए हैं कहाँ से आए हैं भाई एक तो दुनिया पहले ही भटकी पड़ी ऊपर से और भटकाओ उनको ब्रह्म का जाल फैलाओ ये तो अच्छी बात नहीं देखिए गीता सारे ब्रह्म संशय दूर कर देती है हृदय अर्जुन तिष्ठति अपने हृदय में झांक के देख मैं वही हूं कहा श्री कृष्ण ने कि मुझे ढूंढना हो तो अर्जुन द्वारिका आ जाना मुझे ढूंढना हो तो कल को वृंदावन चले जाना मुझे ढूंढना हो तो मैं वहां बैठा हूं मैं वहां इजा तो बोला ही नहीं है हृदय से अर्जुन तिष्ठति हे अर्जुन अपने हृदय में देखना मैं वही हूं अब अपने हृदय में मौजूद बैठे को देखने के लिए क्या करना है मन को अंतर्मुखी करना है अमन अंतर्मुखी होवे कैसे जो मन सारा समय ए मटेरियल वर्ल्ड के पीछे भागता रहता है ए रस छाडा ओ रस पावा जब तक ये संसार का रस छूटता नहीं है अच्छा संसार का रस ना अपने आप कभी नहीं छूटता मैं तो अपने अनुभव से कह सकती हूँ ये अपने आप कैसे छूटता है हम हमारी कहानी कहे हम तो बच्चे थे भाई ऐसे ही चले गए सत्संग में सुना इतना आनंद आया रोज सुनने लग गए रोज सुनने लग गए रोज सुनने लग गए और सुनते सुनते पता ही नहीं चला कब संतों का संग करते करते संतों की मंडली में ही पहुँच गए पता ही नहीं चला क्या मुश्किल है न ध्यान मुश्किल ना धारणा न मंत्र जप मुश्किल ना अज्ञान दूर करना कुछ मुश्किल नहीं है ना 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 ये जो तुम्हें बोलते हैं ना बड़ा औखा बड़ा औखा है बड़ा मुश्किल है ना ना वो सच नहीं बोल रहे हैं तो हमें इस अज्ञान का निवारण करना है और वह सत्संग से होता है और सच तो ये जैसे बच्चा माँ की गोद में सोया सोया सपना देखने लग जाए कि माँ दूर है और मैं दूर हूं और वो रोने लग जाए गोदी में ही है बच्चे पर सपने में लगे मैं माँ से दूर हूं अब इस बच्चे को उसकी माँ से कैसे मिलाएंगे बताइए बच्चा कितने कदम चले कि वो माँ को मिल ले बोलो माँ की गोदी में है पर सो गया है सपने में खो गया है तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा सिर्फ बच्चे को नींद से उठाइए गोद में तो है ही वो बात समझे ऐसे ही हम परमात्मा की गोद में ही हैं पर अज्ञान के नींद में चले गए हैं और यह सोचते भगवान कहीं दूर है हम कहीं दूर हैं और हम क्या है आपको हिला हिला के उठा रहे हैं कि बेटे नींद छोड़ लो और देखो भगवान तो कहीं दूर है ही नहीं है वो तो तुम्हें तुम्हारे ही अंदर वो तो तुम्हारे ही पास है काहे एक बात हमेशा जानना तुम्हारे शरीर की परछाई तुमको छोड़ सकती है प्रभु तुम्हें कभी नहीं छोड़ ये उसकी मजबूरी है वो मेरे साथ चिपका हुआ वो मुझे छोड़ नहीं सकता ये उसकी मजबूरी है वो चाहे भी तो मुझे छोड़ नहीं सकता और शायद यही वजह है वो इतने करीब है इसलिए दूर हो गया इतने करीब है ना दिख ही नहीं रहा देख ही नहीं पा रहे और मन सामने दिखते संसार में फंस जाता है अच्छा अगला एक प्रश्न ले ले पूछते हैं दीपा के गुरु क्या तन की पीड़ा जब किसी शिष्य पे आती है तो वो क्या अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं हर सकते हैं अभी देखो जो मेरा जवाब होगा ना ये बहुतों को कष्ट देने वाला है पर हम सच तो बोले बगैर रह नहीं सकते ऐसा कुछ नहीं होता देखिए लोगों के मन में ना कुछ भ्रांतियां हैं जैसे के कोई महात्मा हो जाएगा संत हो जाएगा तो वो कभी बीमार नहीं हो सकता है देखिए अन्नमय शरीर है अन्न का बना शरीर है मिट्टी पानी हवा का बना शरीर है गर्मी सर्दी ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो सकता है लेकिन चेले ये साबित करना चाह रहे होते हमारे गुरु तो साक्षात अवतार हैं अब अवतारों को बीमारियाँ थोड़ी है होती हैं अब हो गई क्या करेंगे तो भक्त कहते हम हमारे भक्तों की ना सारा दुख पाप गुरु जी ने ले लिया है अच्छा तो तूने इतने पाप क्यों किए थे जब गुरु को लेने पड़ गए सारे मरदूत तू सुधर के रहता तूने ने कहा है किए इतने लेकिन चेला लोग ऐसी बात बोलते हैं तो अच्छा तो उनको उनकी भावना है भावना से कोई माने तो कुछ भी मान सकता है लेकिन यथार्थ ये है कर्म का सिद्धांत पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा हमारे जो दर्शन शास्त्र है और जैन मार्ग के भी जितने ग्रंथ हैं और बौद्ध मार्ग के भी जितने ग्रंथ हैं सब इस सिद्धांत को मानते हैं कि मेरा किए गए कर्म का दुख सुख लाभ हानि मुझे को भोगना पड़ता है बच्चे का दुख सुख माँ भी नहीं भोग सकती है माँ के हिस्से का बच्चा नहीं भोग सकता तो भावना से कह दो तो कह दो कि गुरुजी ने ले लिया अब कोई ऐसे गुरु सारे सिद्धांतों को तोड़ के ऐसा कोई कारनामा कर सकते हो तो मेरा शत शत प्रणाम है पर ऐसा अनुभव मेरा तो नहीं है इसलिए मेरा उत्तर इससे जो है वो आपको कह दिया है एक प्रश्न आया है हर्षद भाई कब पूछते हैं मन क्या है मन का वर्तमान मन को वर्तमान में कैसे रखें इसके लिए कोई तीन चार सरल उपाय बता दीजिए सरल क्यों सरल क्यों बतावे आपको हैं ये पैसा है सरल सरल कैसे हो जाए लॉटरी डालो तो निकल जाओ पैसे मेहनत ना करनी पड़े देखिए हमको ताजमहल चाहिए हैं पर सरल सरल उपाय बताओ यू नो आई वॉन्ट टू ओन दी ताजमहल गिव मी एन इजी वे टू ओन दैट कैन यू गिव मी एनी दिल आ गया भाई ताजमहल पे हमको भी चाहिए एक पत्नी ने अपने पति से कहा सुनो चुटकुला सुनो एक पत्नी ने अपने पति से कहा ताजमहल देखते हुए पूर्णमासी की रात को खास उस दिन होते दर्शन स्पेशल विजिटिंग आवर फुल पत्नी कहती है कि देखिए शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए ए आलीशान ताज महल बनवा दिया आप मेरे लिए क्या करोगे क्या आप मेरे लिए भी कुछ बनवाओगे कहते हाँ तू मर ना ये मरने का बाद बना था उसके जिंदा रहते थोड़ी बना था तू मर कब मरती फिर बनवाएंगे मन क्या है ये जानना भी चाहते हो उपाय सरल अब मैं उपाय सरल क्या दूंगा इसके लिए मन वर्तमान में रहे मन वर्तमान में तो भी रह सकता है जो पहले यह समझ लगे मन का स्वरूप क्या है मन है क्या और वो सरलता से नहीं बताया जा सकता मैं बता भी दूंगी तेरे समझ नहीं आएगा इस विषय में थोड़ी सी सहायता ये कर सकती हूँ थोड़ा सा स्वाध्याय मन के विषय पर एक पुस्तक हमने अभी दी है माइंड रेस्ट हो सके तो वो पुस्तक को पढ़िए विस्तार से सार में नहीं है वो विस्तार में है तो विस्तार से उसको समझिए तो आपको पता चलेगा मन नाम विचार का है मन नाम भावनाओं का है मन नाम निद्रा का है मन नाम तमस का है मन नाम भ्रांति का है मन नाम संशय का है मन नाम संस्कार का है हाँ? मन तो बड़ा बहुत बड़ा है भाई मन बड़ा विशाल है कबीर साहेब और सब कितने महात्मा इस मन के विषय में बात करते करते आज जीवन पूरा 120 वर्ष कबीर साहेब जिए हैं और 120 वर्ष में उपदेश करते हुए मन के ऊपर ही तो बोले हैं और वो सरल उपाय वो नहीं दे सके मैं कहाँ से दूंगी मन का तारण कठिन है भाई ऐसा बोल दिया उन्होंने कठिन इसलिए क्योंकि उतना धीरज नहीं अब पूछने वाला पहले ही पूछ रहा हो कि सरल सरल बता दो सरल सरल बता दो सरल क्या है भाई दुकान चलाते हो सरलता से जो सुबह बैठे नौ बजे से रात नौ बजे तक कमर तोड़ते हो ग्राहक आ जाए तो एक सज्जन कह रहे थे ग्राहक आ जाए ना तो रोटी नहीं खा पाते दिन भर भूखे भूखे ही काम करते चले जाओ और बोले कभी कभी तो पेशाब जाना हो तो वो भी नहीं जा पाते लड़का कोई नहीं तो बैठे है जा ही नहीं सकते कितनी तपस्या तो करते हो सरलता से चलती दुकान ये माताओं ने बच्चा पैदा किया सरलता से है नौ महीना धारण किया प्रसव की पीड़ा से ही बच्चा सरलता से हुआ आप सारी मेहनत दुनिया में करते हो धर्म अध्यात्म का बात आते ही कहते सरल सरल कुछ कहिए चुटकी चुटकी में वही इंस्टेंट नूडल नहीं है ये इट्स नॉट इंस्टेंट काफी कि आप बस डालो और पी जाओ Give some time, be some patient to know what mind is. It requires your perseverance and regular listening and understanding. मुश्किल नहीं मैं फिर कहतू, समय अबाब है, आखरी दिन है, बातें कई सी कहनी हैं इसलिए थोड़ा ऐसा चल रहा है। ये पूछा है प्रश्न के भक्ति मार्ग में जो उन्नति अनुभव होती है। जैसे डिसिप्लिन शांत रहना इत्यादि इत्यादि वो परिवार की परिस्थितियों में गड़बड़ हो जाती है ता क्या करें मैंने अभी तो लगता आ गई भक्ति सारी तब तलक जब तलक पति देव ने कोई चुभती बात नहीं कह दी लगता है ना ये थोड़ा आंख बंद करी थोड़ा बैठे बड़ा अच्छा लगता हाँ हो गए भाग तब तो हम इतने में आकर के बच्चा लगा चिल्लाने ने मेरे पड़ोसी ने थप्पड़ मार दिया तो चल मैं देखती हूँ कैसे हाथ लगाया और लड़ने पहुंच गई लड़ लड़ाई तो बाद में याद आया अरे गुरु ने कहा था हिंसा नहीं करनी चाहिए अभी भक्ति है अभी भक्ति नहीं है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी मन और इंद्रियां असंयमित हैं देखो जैसे आप सुबह स्नान करो तो एकदम कुछ घंटे तो ताज़ा ताज़ा महसूस करते हैं खाना खाइए अच्छा शक्ति सी लगती है शरीर है ना ऐसे ही जब आप रोज रोज प्राणायाम के लिए बैठने लग जाएंगे रोज रोज विधि पूर्वक आप सुमिरन करने लग जाएंगे धीरे धीरे वह आनंद वह मन की शांति बढ़ने 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 लग जाएगी फिर इतनी बढ़ जाएगी कि संसार पूरा समाप्त तो हो जाए तो भी तुम्हारे माथे पर शिकन नहीं पड़ेगी शिकन नहीं पड़ेगी तकलीफ नहीं होगी चाहे कितने से बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाए बिना कारण आपका चित्त ठहरने लग जाएगा पर ये स्थिति तब होगी ना प्यारे जब आप पहले कुछ साधन करेंगे देखिए आजकल बहुत से लड़के लड़कियां जिम जाते हैं कोई जीरो साइज बॉडी लड़की होना चाह रहे हो कोई लड़का जो है वो एकदम बढ़िया टाइस एप छाती चौड़ी सिक्स पैक ऐप होना चाहिए इस चक्कर में महंगा महंगा जिम में फीस भरते हैं, रोज जाते हैं कितनी मेहनत करते हैं तो जो सिक्स पैक एब है वो छः दिन में तो बनता नहीं कम से कम डेढ़ एक साल लगता है उसको बनने में और फिर उतना डाइट का भी ठीक ख्याल रखे और रोज 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 रोज, रोज मेहनत करे तो बॉडी बड़ी अच्छी स्कल्प्टेड हो जाती है एक दिन में तो नहीं होता ऐसे ही आप बैठने लग जाओ रोज हमारे तो ये कहना है कि प्यारे जिस दिन सुबह अभ्यास न करो उस दिन मुख में अन्न मत डालना तेरा कोई हक नहीं बनता उस दाता के दिए हुए अन्न को खाने का जो दाता का सुमिरन नहीं किया था ऐसा कुछ अपने ऊपर लगाई अंकुश कई कहते जिस सुबह उठा नहीं जाता क्यों जी नींद नहीं खुलती मैं अच्छा तेरी फ्लाइट हो सुबह चार बजे की तो नहीं पकड़ोगे क्या बोलोगे एयरलाइन वालों को जी देखो हमारी तो नींद नहीं छुट्टी आप जहाज ना दस बजे चला लो आपने ट्रेन पकड़नी हो सुबह छह बजे की तो घर से चार बजे निकल के खाना बना के पानी भर के बिस्तर बन लेके पहुंचोगे पहुँचोगे स्टेशन में तुम बस उतनी ही शिद्दत के साथ उतनी ही गंभीरता के साथ ये निश्चय करो कि मैं रोज सुबह उठूंगा, अभ्यास में बैठूंगा, मंत्र साधना करूंगा, प्राणायाम करूंगा। ये संकल्प बनाइए ये आप संकल्प करेंगे आ, है ना? तो धीरे 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 अंतर ये प्रेम पसरने लग जाए इतना मन मस्त होने लग जाएगा कि सारी दुनिया में भले कोई तुमको आके पूछे भी नहीं कि तुम कैसे हो या कैसे नहीं हो तुम इतने खुश खुश रहोगे ना अंदर अंदर हैप्पी पंजाब में जाओ ना तो हर तीसरे चौथे लड़के का नाम हैप्पी होता है हैप्पी <laughs> सिंह बड़ा प्यारा लगता है हैप्पी हैप्पी नाम है ना पर हैप्पी नाम रखने से हम हैप्पी थोड़ी हो जाएंगे अच्छी अच्छी चीजें सोचनी चाहिए इसलिए लोग अच्छे अच्छे नाम रखते हैं इस चक्कर में रखते हैं है, है ना और जो बात मैं आज कह रही हूं वो घाट बांध लो प्रभु मेरे हैं मैं प्रभु का हूं प्रभु मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं मैं कितना पापी हूँ, हूं गिरा हुआ हूं कैसा भी हूं तो भी वो मेरे हैं, मैं उनका ये एकदम पक्की बात जैसे आराधना करी मीरा ने श्याम सुंदर की बस मैं वैसे आराधना करने लग जाऊं मन मंदिर में प्रभु को बिठाऊं रोज रोज प्रभु तेरे गीत गाऊं तेरी आराधना करूं और तेरी आराधना से जो मन हुआ मस्त फिर किसकी परवाह रहेगी बोलो ना रहेगी कोई परवाह अच्छा चलो थोड़ा कल्पना कल्पना करके देखो विजुअलाइज करके देखो इमेजिन करके देखो जो मैं बात कह रही हूं अगर सच में ऐसी तुम्हारी स्थिति हो गई मन प्रेम में मस्त बुद्धि शांत इंद्रिय संयमित है कोई फिर चीज ऐसी संसार की जो तुम्हें डरा सके कोई नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी शान पट्टी तुम्हारे पे कर सके ना तुमने देखा फकीरों के अंदर कैसा एक जलाल होता है एक जलाल होता है उनके अंदर अकबर बादशाह गया था गुरु नानक साहब का दर्शन करने पंजाब में एक बार तो बोले जाओ उसको कहो पहले लंगर में बैठ के साधारण लोगों के साथ भोजन करे पहले लंगर खावे फिर मेरे पास आवे बोले बादशाह को हमेशा कैसे कह सकते बोले हमारा नियम पूरा ना करे तो चला जाए वापस हमारे यहां तो यही नियम मुगलिया बादशाह वही जमीन में बैठ के सबके साथ उसने भोजन किया उसे लंगर बोलते भोजन किया फिर वो गुरु साहब को मिलने के लिए गया वो कैसी जरूरत होती ना इनके अंदर जिसको भगवान का आनंद स्वरूप का ज्ञान होता है ना उसको कोई मोह बह चिंता शोक होता ही नहीं है मस्त रहता है सुनिए इसको ये आज के लिए आपका यहाँ नवसारी का आखिरी गुजराती भजन भले पूछो न तो मे भले पूछो न तो मन के तू के